हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न हॉल। मैं आप लोगों के साथ बैग्स, परफ्यूम्स, वॉच शेयर करने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है ये वाला बैग। ये साइड बैग है और इसका जो कलर है वो मैंने चूज किया है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कलर ऑप्शंस। आपको कई सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। टैन भी थे, फिर ब्लैक भी था, सो बहुत सारे वैरायटीज के हैं। और इसका जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन में आप इस तरीके का एक डिजाइन देख सकते हैं जो कि एक बोहो काइंड ऑफ लुक इसको दिया है। एंड इसमें इस तरह के आपको हैंडल्स मिल जाएंगे जहां पर गोल्डन डिटेलिंग है यहाँ पर। एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मामून। एंड ये इस ब्रांड के कई सारे और स्टाइल्स के स्लिंग बैग्स, फिर डिफरेंट तरह के बैग्स भी मैंने देखे हैं अमेजन पर, और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिल गया। सिर्फ ये बैग नहीं है, इसके अंदर है तीन और बैग्स, मतलब टोटल चार बैग्स का ये एक कॉम्बो टाइप्स है। और इसके साथ आपको एक बड़ा वाला, इस तरीके का एक बड़ा वाला स्ट्रैप भी मिलेगा जिससे कि आप इसे अपने शोल्डर में ले सकते हैं, इस तरह के शोल्डर बैग की तरह। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा चेन मिलेगा। ये चेन को ओपन करने के बाद एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलेगा। इसके अंदर कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, कोई दूसरा छोटा मोटा चेन भी नहीं है, कम्प्लीटली पूरा एक बड़ा सा सेक्शन मिलेगा। सो ये बात मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि छोटा सा एक चेन तो होना चाहिए, बट इसके साथ जो तीन और बैग्स आते हैं उसमें छोटे बैग है जो कि हम वॉलेट कह सकते हैं, तो उस तरह का एक बैग है जो कि हम इस बैग के अंदर डालकर इसे ले जा सकते हैं। इसके साथ जो सेकंड बैग है वो एक स्लिंग बैग है इस तरीके का, जिसका जो स्ट्रैप है ना वो काफी लंबा है, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड द कलर इज पेस्टल बेबी पिंक जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। एंड इस स्लिंग बैग को जब आप ओपन करते हैं, और जिप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, गोल्डन कलर का जिप है एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे काफी ही अच्छी लगी। इसके अंदर भी कोई स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटे मोटे चेन्स नहीं है। थर्ड जो बैग है वो इस तरीके का है और इसमें ये एक पाउच काइंड ऑफ बैग है और इसमें भी एक चेन है। इस चेन को ओपन करने से देयर इज नो अदर कंपार्टमेंट। पाउच में जनरली ऐसा ही होता है। इस पाउच में आप स्किन केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स भी कैरी कर सकते हैं इजीली, या फिर ये कोई इमरजेंसी पाउच जैसा भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एड जो आइटम्स होते हैं, बैंडेजेस, मेडिसिन, वो सब आप इसमें कैरी कर सकते हैं। एंड फाइनली जो फोर्थ एंड लास्ट बैग है वो इस तरीके का एक वॉलेट है जो आप इस हैंड बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। एंड आई लव द कट ऑफ दिस वॉलेट क्योंकि इस तरह से इसका चेन ओपन होता है एंड काफी स्पेशियस है। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट है तो इस तरह के आप यहाँ पर कार्ड्स वगैरह कैरी कर सकते हैं या फिर कॉइन्स आप इस कंपार्टमेंट में रख सकते हैं, विच इज ग्रेट। और मुझे तो ये काफी अच्छा लगा, मैं आगे भी इस तरह के बैग्स इस ब्रांड से मैं परचेज करने की सोच रही हूँ। इसका जो क्वालिटी है वो भी काफी सॉफ्ट है, लेकिन हाँ इस तरीके का बैग्स ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, बट इस प्राइस में इतना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज रियली गुड। अगर आप कोई अच्छा सा कॉम्बो सेट ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का बैग्स का कॉम्बो ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ परफ्यूम्स ट्राई किया है और ये है लेयर वाटर गर्ल परफ्यूम। और ये जो परफ्यूम है इसका कई सारे और वेरिएंट्स भी है, मैंने जो चूज किया है वो है मिस्टिक आइलैंड। और ये जो फ्रेग्रेंस है ये मुझे काफी फ्रेश सा लगता है, बहुत ही फ्रेश इसका फ्रेग्रेंस है, कोई फ्लावरी या फ्रूटी फ्रेग्रेंस नहीं है, काफी फ्रेश है जो मानसून सीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये बिल्कुल गर्ली सा परफ्यूम है और मेन के लिए भी एक ऑप्शन है। मैंने मेन के लिए भी एक परफ्यूम इस बार परचेज किया है जो कि एनवी परफ्यूम है। ये है वेनेसा एनवी नेचुरल स्प्रे और ये है फॉर मेन। इसका जो पैकेजिंग है वो मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक पैकेजिंग में आता है और इसका जो बॉटल है वो भी प्योर ब्लैक में है, विच इज रियली गुड। और ये काफी क्लासी सा डिजाइन मुझे लगा और फ्रंट पोर्शन में एनवी लिखा है, विच इज ऑब्वियस।
और सो इसका ये 30 ml का है जिसका प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एंड इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे मैन परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं एंड इसका फ्रेग्रेंस पर्सनली मुझे तो अच्छा लग रहा है। और अगर आप परफ्यूम्स पसंद करते हैं, डियोस से ज़्यादा आपको परफ्यूम पसंद है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है येट काफ़ी अच्छा इसका फ्रेग्रेंस और लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये जो ब्लैक वाला मैंने परचेज किया है ये एक कॉम्बो में था, विमेन और मेन का कॉम्बो, तो उसमें मुझे ये वाला एनवी परफ्यूम फॉर विमेन ये मैंने परचेज किया है खुद के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक फ्लावरी साइज का फ्रेग्रेंस है जो मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, सो आई नो अबाउट द फ्रेग्रेंस। और मुझे इसका फ्रेग्रेंस पर्सनली बहुत अच्छा लगता है एंड इस तरीके का एक फ्रॉस्टेड ग्लास पैकेजिंग में ये आता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है इसका फ्रेग्रेंस एंड बिल्कुल गर्ली सा फ्रेग्रेंस है लेकिन थोड़ा स्ट्रांग है। ये जो परफ्यूम है मेन वेरिएंट, इससे ये वाला काफ़ी स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा माइल्ड एंड लाइटर साइड में है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इस पर मैंने अमेजन से कुछ वॉचेस ट्राई किए हैं जिसमें है ये स्मार्ट वॉच, और ये जो स्मार्ट वॉच है ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसे परचेज करना एंड ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो पैकेजिंग था वो मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसके साथ ये जो स्ट्रैप्स है ना ये दो प्रोवाइड किया है, एक है इस तरीके का प्योर ब्लैक में और दूसरा है इस तरीके का स्ट्रैप, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एक स्पेयर भी उन्होंने दिया है। और इसके साथ ये चार्जिंग किट भी आता है तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसे किस तरह से कनेक्ट करना है अपने फ़ोन में वो यहाँ पर पैकेजिंग में ही पूरा डिटेल्स दी गई है, एक QR कोड है जिसे स्कैन करें आप अपने फ़ोन से एंड फिर ये कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन के साथ। सो काफ़ी ईजी प्रोसेस है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसे आप अपना हार्ट बीट, अपना ऑक्सीजन लेवल और जो स्टेप्स है और ब्लड प्रेशर सब कुछ काउंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड, आज की डेट पर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन हाँ, इसका जो बैटरी बैकअप है वो उतना अच्छा नहीं है, ये बैटरी ज़्यादा देर तक जैसे कि सिर्फ 1 घंटा शायद चलता है लेकिन उससे ज़्यादा ये नहीं चलता, विच इज़ द मेन ड्रॉबैक जो मुझे इसकी लगी, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट गुड। और ₹2000 में इतना ही वी कैन एक्सपेक्ट, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई और ब्रांड का ट्राई करूँ अमेज़न से और मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी क्योंकि अमेज़न पर इस तरीके की चीज़ें आप ग्रेट डिस्काउंट्स पर आपको मिल जाएगी और स्पेशली इस टाइम तो अमेज़न पर ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप अमेज़न को चेक कर सकते हैं जहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे वेल नोन ब्रांड्स के अच्छे खासे प्रोडक्ट्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी, अच्छे डिस्काउंट्स में। नेक्स्ट एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये वाला वॉच, ये है डैनियल क्लेन वॉच जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेना एंड ये एक गिफ्ट है फ्रॉम माय सिस्टर और ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मुझे अभी सेल के टाइम दिख रही है। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं देन गो एंड ग्रैब इट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, स्टाइलिश डिज़ाइन है, काफ़ी क्लासेस का डिज़ाइन है और जो कलर मैंने चूज़ किया है वो है ब्लू, अदर कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल तो आप उन कलर्स को भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही स्लीक इसका डिज़ाइन है और आजकल इस तरीके का डायल, इस तरीके का डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।